शिवदीप लांडे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पटना के सिटी एसपी रहते हुए लांडे ने जो काम किए हैं इससे उनकी पहचान सिंघम वाली बन गई है। बिहार के कई जिलों में उन्होंने एसपी के पद पर काम किया है, लेकिन कुछ अरसे के लिए वो मुंबई चले गए थे। लेकिन बिहार के सिंघम वापस तब आए जब बिहार के सहरसा में डीआईजी पद पर कार्यरत है। अभी शिवदीप लांडे अभी सहरसा में डीआईजी पद पर कार्यरत है। वर्दी पहनकर अपने फर्ज को मुस्तैदी से निभाने वाले शिवदीप लांडे थोड़े भावुक नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों मैं आपको बताती हूँ, दरअसल खाकी का फर्ज निभाने के लिए वे अपनी बेटी के खुशियों में शामिल नहीं हो पाए और उन्होंने इसके लिए फेसबुक पोस्ट पे सॉरी भी लिखना पड़ा है। शिवदीप लांडे का परिवार मुंबई में रहता है। उनकी बेटी अरहा का 10 अप्रैल को जन्मदिन था। उनकी पत्नी पेशे से डॉक्टर है। बेटी के बर्थडे के लिए वो मुंबई जाना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक शिवदीप लांडे ने छुट्टी के लिए अर्जी भी दी थी पुलिस मुख्यालय में, लेकिन 10 अप्रैल को जो कि रामनवमी का त्योहार का दिन था उसकी वजह से उनकी छुट्टी को मंजूरी नहीं मिली। इस वजह से वो अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। वो मुंबई नहीं पहुंचे अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए। इसके बाद उन्होंने एक पिता के तौर पर फेसबुक पोस्ट लिखकर अपनी बेटी अरहा से माफी मांगी है। अपने फेसबुक पोस्ट पे शिवदीप लांडे ने नन्ही अरहा को अपने कंधे पर बिठाए एक तस्वीर साझा की है। उन्होंने लिखा है, अरहा मुझे माफ कर देना, यहाँ छुट्टी नहीं मिल पाई है जिसकी वजह से मैं मुंबई नहीं आ पाया और आपका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने सदैव खाकी के फर्ज को सर्वोपरि माना है, परंतु शायद मैं ये भूल गया कि खाकी में कोई पिता भी है। और इसके साथ ही वो अपने बर्थडे बेटी को सॉरी पोस्ट लिखते हुए नजर आए है। फौजी का कर्तव्य ज्यादातर पिता के फर्ज को पीछे छोड़ देता है। इस वजह से शिवदीप लांडे काफी भावुक दिखे हैं और अपनी बेटी का बर्थडे जो वो जाके सेलिब्रेट नहीं कर पाए मुंबई में, इसके लिए उन्होंने एक पोस्ट डाला है। आप उस पोस्ट पर भी नजर डालिए। तो आपने ये पोस्ट देखा, वो काफी भावुक है, साथ में बेटी को सॉरी भी लिख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि 10 अप्रैल को जो कि रामनवमी का दिन था, इसके साथ ही पटना में और पूरे बिहार में काफी तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसके कारण बहुत से पुलिस कर्मियों को छुट्टी नहीं मिली और वो तादाद थे ताकि बिहार वो तादाद थे अपनी ड्यूटी पे ताकि जो रामनवमी का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक से हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं फर्ज में पिता पीछे रह गए और इसी बात को साझा करते हुए शिवदीप लांडे ने ये पोस्ट लिखा है, अपनी बेटी से माफी मांगी है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं स्नेहा गुप्ता आपसे आ देती, धन्यवाद।